दोस्तों आजकल हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है कि आपके किसी करीबी को डायबिटीज हो गई है। भारत में 20 की उम्र के आधे लोगों को डायबिटीज का खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 करोड़ से ज़्यादा देश में डायबिटीज के पेशेंट हैं और 2045 तक अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये आंकड़ा 13 करोड़ तक पहुँच सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श पांडे है और आप द एंथुजियास्टिक इंडियन चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज क्या है और भारत में इसके केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके लक्षण क्या है और क्या है इसके उपचार। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब पैनक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और जिसके चलते हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इस स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं और इसे हिंदी में या आम भाषा में हम मधुमेह कह देते हैं या ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इंसुलिन क्या है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल से बनता है और इसका काम सिर्फ इतना है कि आपके बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अब चलिए जानते हैं कि देश में क्यों बढ़ रहा है डायबिटीज का खतरा। सेंटर फॉर कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क रिडक्शन इन साउथ एशिया के द्वारा 2010 से 18 तक एक रिसर्च किया गया था जिसके अनुसार देश में युवा वर्ग के लोगों में तेजी से डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है और इसकी वजह है शहरों में व्यस्त लाइफस्टाइल, जिसके कारण आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि देश के यंग जनरेशन में भी डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। इस रिसर्च के अनुसार 20 साल और 30 साल के बीच की उम्र वाले पुरुषों में डायबिटीज का खतरा 56% है और महिलाओं में 65% है। इसलिए कहा जा सकता है कि टीनेज में डायबिटीज होने का खतरा अधिक है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि महिलाओं में पूरी जिंदगी डायबिटीज का खतरा बना रहता है और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें भी डायबिटीज होने का खतरा 38% तक है, जबकि 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को इस बीमारी का खतरा 28% ही है। इसलिए महिलाओं के लिए ये खतरे की घंटी है। अगर आपको भी बैठ कर खाना पसंद है तो आप भी सतर्क हो जाइए और जल्द से जल्द कसरत स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, मोटापा भी ब्लड शुगर का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल के एज ग्रुप में अधिक वजन के कारण 85% लड़कों को डायबिटीज होने की आशंका होती है और वहीं महिलाएं भी समान रूप से इस खतरे से खाली नहीं पाई जा रही हैं। अगर आपको बहुत प्यास लगता है और बार बार यूरिन आने के चलते वॉशरूम जाना पड़ता है या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगता है या अचानक से आपका वजन कम हो रहा है तो आप डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। अगर मामला ज़्यादा गंभीर हो तो आपको बेहोशी आना, दौरा पड़ना या फिर व्यवहारिक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब चलिए ये देखते हैं कि ब्लड शुगर के कारण हमारे बॉडी के अंगों पर क्या असर पड़ता है। अगर लंबे समय तक ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में अधिक रहे तो आपकी आँखों की नज़रें कम होने लगती है और आपके स्किन पर बहुत सारे चकते देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में बदलाव के कारण उल्टी आना, पेट में दर्द या फिर बेहोशी होने जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। डायबिटीज टाइप 1 से जूझ रहे लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है और उसके चलते लगता है कि नसों में कोई सुई चुभ हो रहा हो, यानी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पैरों में एक अलग तरह की झंझनाहट महसूस हो रही है और आपको चलने में बहुत दिक्कत होने लग रही है। टाइप 2 डायबिटीज के चलते आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके वजह से पेशेंट डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी लक्षण मिले तो आप डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको दवाइयाँ नहीं बता सकता। मैं क्या बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ, मैं आपको जागरूक करता हूँ किसी बीमारी के प्रति। और अंत में मैं भी आपको एक सुझाव देना चाहूँगा जो कि हर डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है और वो है शारीरिक श्रम, यानी आपको फिजिकल वर्क करते रहना है क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक चीज़ है। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो का उद्देश्य। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे होगा ये कि वो लोग भी इस बीमारी के बारे में जान पाएंगे और हम लोगों को जागरूक करके इस बीमारी पे काबू पाने में समर्थ होंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए एंथुजियास्टिक इंडियन। जय हिंद।